अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। आज बनाते हैं जी बहुत ही मज़ेदार एंड डिलीशियस लिप स्मैकिंग सी एक डिज़र्ट जो आप ईद पे या फिर किसी भी फंक्शन में बना सकते हैं। हमें चाहिए एक पतीला, एक पॉट, बेहतर होगा अगर वो नॉन स्टिक हो। हमें चाहिए दालचीनी, सिनेमन स्टिक, ग्रीन इलायची यानी हरी इलायची, ग्रीन कार्डमम और क्लोव्स यानी लौंग। हम पतीले में डाल देते हैं घी। क्वांटिटी स्क्रीन पर है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। हम बना रहे हैं देसी घी में, जो कि बहुत फ्रेश रहता है और इसमें इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। घी को गर्म होने देते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है, इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने दालचीनी लिया है, वो, क्लोव्स एंड इलायची। अब इसे थोड़ा सा सिजल होने देते हैं। हमें चाहिए मिल्क यानी दूध। इसको मैंने गर्म किया हुआ है, अब ये ठंडा है। अब यहाँ पे ये सिजल हो चुका है, इसमें शामिल कर देते हैं ये दूध। दूध को हमने शामिल कर दिया है। अब बॉईल आने का वेट करते हैं। जैसे ही बॉईल आता है हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने यहाँ पे एक प्याली में ले लिया है थोड़ा सा दूध और इसमें ऐड कर देंगे ये येलो कलर। आप यहाँ पे जो स्ट्रैंड्स होते हैं केसर के, जो कि सैफरन होता है, उसके स्ट्रैंड्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस बार शामिल कर रही हूँ कलर, येलो कलर। तो आपको इसमें मिल्क में घोल लेना है। शादियों में इतनी क्वांटिटी में जो है वो केसर नहीं डाली जाती, सैफरन नहीं डाला जाता, क्योंकि सैफरन बहुत महंगा होता है। तो ऑब्वियसली कलर ही यूज़ करते हैं। तो हम बना रहे हैं शादियों वाला मीठा, तो हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। हम इसमें कलर ही यूज़ करेंगे, सैफरन स्ट्रैंड्स नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है शुगर यानी शक्कर और मैंने इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके साथ मैं शामिल करूँगी 3 हरी इलायची और इसको हम अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर फॉर्म कर लेते हैं। ये हमने पाउडर फॉर्म कर लिया है, बहुत ही खुशबूदार सा ये शुगर पाउडर फॉर्म हो चुका है। इसे साइड में रखते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है ज़ीरा राइस। ज़ीरा राइस को मैंने 1 घंटा भिगोया था। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ज़ीरा राइस लेंगे भी तो छोटे ज़रूर होते हैं, लेकिन हमें चाहिए थोड़ा सा कनकी वाला चावल जो कि एकदम टुकड़ा होता है, तो उसमें भी आप टुकड़ा वाला ले लें और ये काफ़ी खुशबूदार होता है। देखिए यहाँ पे बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब ये जो चावल हमने भिगोए थे, थोड़ा सा इसमें पानी है, 1/4 कप के करीब पानी है, जो हम पानी के साथ ही इसे शामिल कर देंगे। हमें एक्चुअली चावलों को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, उसके बाद हमें इसे भिगोना है। तो भीगने के बाद जो है उसमें थोड़ा सा पानी रह जाए तो इट्स ओके। 1/4 कप के करीब पानी था, उसी का पानी मैंने इसमें साथ ऐड कर दिया है। तो अभी इसे हमें अच्छे से कुक करना है। इतना कुक करना है कि चावल जो है बहुत अच्छी तरह से गल जाए। अब हमें चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, बीच में इसे छोड़कर कहीं न जाएं, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी तो हो सकता है कि चावल नीचे लग जाएं। अगर पतीला नॉनस्टिक ना हो तो बिल्कुल लग जाएंगे, तो इसीलिए आपको इसमें बीच में जो है स्टर करते रहना है। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक पैन। इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा घी। घी मेल्ट हो जाए फिर इसमें हम आगे ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। मीठे को हिलाते रहना, देखते रहना ज़रूरी है। इफ़ नॉट तो आपका जो मीठा है वो एक डिज़ास्टर बन जाएगा। तो बहुत जल्दी नीचे लगने का अंदेशा होता है इस तरह से, क्योंकि वो गाढ़े होते जाते हैं। चावल गलने के बाद जो मीठे की कंसिस्टेंसी है वो एकदम थिक होती जाती है, तो नीचे लग सकता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। ये मीठा शादियों में बनता है, हमारे यहाँ की शादियों में फेमस है, तो आप इस मीठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की ये डेजर्ट बनती है। और यहाँ पे देखें घी गर्म हो चुका है, इसमें हम शामिल कर देंगे सोक किए हुए बादाम यानी आमंड्स, कैशनट्स यानी काजू, किशमिश को मैंने ना जो कि रेजिन्स होते हैं उनको बीच में मैंने कट किया है, तो एक किशमिश में मैंने 2 किए हैं। आप चाहे तो ऐसे भी डाल दें, लेकिन इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये क्योंकि इसकी जो क्या कहते हैं वो हमने जो काजू काटा है बिल्कुल उसी तरह से ये भी लगेंगे, तो बहुत खूबसूरती आती है। तो इस तरह से आप इसे कट करें और इसे अच्छे से रोस्ट करें। रोस्ट ऐसे करें हल्की सी आंच में, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसका कलर बिल्कुल ना चेंज हो, बस जो हम भिगो के रहते हैं वो थोड़ा सा ये क्रिस्प हो जाएं, बस इतना काफ़ी है। अब इसमें हम एक और चीज़ शामिल करेंगे, इनको थोड़ा सा हम क्रिस्प कर लें, उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें ये चिरौंजी, ये बहुत मज़े की लगती है, ये लास्ट में ऐड करके हम इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं, थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। बहुत मज़े का ये डेजर्ट है, इसमें ये ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट, वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी में अच्छे लगे वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये डन है, अब इसे हम साइड में रख देते हैं। देख लेते हैं मीठा क्या हो रहा है। यहाँ पे देखें जो साइडों में ना मिल्क लगा हुआ है, क्योंकि हमारे चावल जो है वो कुक हो रहे हैं और मिल्क की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो चुकी है, तो इसी तरह से अभी और पकते रहेंगे। देखें दोस्तों, चावल की जो थिकनेस है वो काफ़ी मोटी हो चुकी है, काफ़ी पक चुके हैं, कुक हो चुके हैं चावल, और जो मिल्क है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है क्वांटिटी। अब इस पॉइंट पे हम इसमें जो दीगर इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से कंसिस्टेंसी हो गई है, कितनी थिक कंसिस्टेंसी की तरफ चला गया है ये। चलें जी, अब इसमें शामिल कर देते हैं हम पाउडर्ड शुगर जो हमने बनाई थी, इसमें शामिल कर देंगे ये खुशबूदार सी पाउडर्ड शुगर। हमने ग्रैनुलर शुगर जो ली थी वो 1/3 कप थी जो क्वांटिटी है। शुगर को पाउडर फॉर्म में डालने की एक रीज़न ये है कि शुगर पिघलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी और काफ़ी जल्दी इसमें घुल जाएगी, तो यही रीज़न है कि हम शुगर को पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है खोया, ये खोया है और इसको भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। खोए को थोड़ा सा आप जो है वो क्रश कर लें, बहुत ज़्यादा मोटा सा ना डालें, क्रश करके डालने से जल्दी से ये घुल जाएगा, इसके लम्प्स नहीं रहेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार इसे, ताकि जो भी लम्प्स रहेंगे वो सारे घुल जाएं। ये देख सकते हैं आप, इसमें खोए के लम्प्स, ये इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स करके घोल लेना है। अब इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर देते हैं ड्राई नट्स जो हमने रोस्ट किए थे, और थोड़े से हमें इसमें बचा लेने हैं बाद में गार्निशिंग के लिए। मैक्सिमम क्वांटिटी इसमें शामिल कर देनी है। मिक्स कर लें। शामिल करने के बाद चावलों को और थिक बनाने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक मदनी यानी मडलर, इससे अच्छे से थोड़ा सा मडल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है कंडेंस्ड मिल्क, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब कंडेंस्ड मिल्क इसमें शामिल कर देते हैं। हमने थोड़ी सी शुगर ऐड की थी, आप ज़रूर टेस्ट करके देखिएगा, आपको जितना मीठा चाहिए बस उतना ही रखिएगा, लेकिन रेसिपी के हिसाब से ये क्वांटिटीज़ जो मैंने दी हैं वो परफेक्ट हैं, आप ज़रूर फॉलो करके बना सकते हैं जिनको परफेक्ट मीठा चाहिए। आप देख सकते हैं मीठे की कंसिस्टेंसी एकदम से थिक हो चुकी है। इस पॉइंट पे ऐड करते हैं केवड़ा वाटर। केवड़े की खुशबू बहुत मज़े की, बहुत ही प्यारी आती है, बहुत ही सूदिंग अरोमा है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए, मिस मत कीजिए। ये देख सकते हैं आप चावल किस तरह से थिक हो चुके हैं और किस तरह से कुक हो रहे हैं। ये देखें, ये ना अभी लग रही है आपको कि अभी थोड़ी सी पतली है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी लगेगी और थिक हो जाएगी। ये देख सकते हैं अभी भी गर्म है, मैं ये गरम गरम यहाँ पे एक बोल में इसे जो है प्रेजेंट कर रही हूँ आपको। इसको ये देख सकते हैं आप, इसको हमें रख देना है फ्रिज में, फिर हम इसे सर्व करेंगे चिल्ड। मुझे ये चिल्ड अच्छी लगती है पर्सनली, तो आपको जैसी अच्छी लगती हो आप खाएं। मेरे घर में डिफरेंट पीपल हैं तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरह से अच्छी लगती है। मुझे चिल्ड अच्छी लगती है, फैमिली अदर फैमिली मेम्बर्स को गर्म अच्छी लगती है, तो जैसे आपको खाना है खा सकते हैं। तो इसे इस तरह से प्रेजेंट करें। थोड़े से इसमें जो फ्राइड कैश्यू नट्स वगैरह हैं रोस्टेड, वो आप इसमें फिर से ऊपर से ऐड करके गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। रेसिपी को ट्राई भी कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट, एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक टेक लोड्स एंड लोड्स ऑफ केयर, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।